अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रहमान अब्बास। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुश आमदीद। डिफरेंट मसल्स हैं, जहां भी फैट हो बुरी लगती है, लेकिन आज हम बात करेंगे लेग वर्कआउट की, क्योंकि लेग वर्कआउट में अगर फैट ज़्यादा है या वीक है तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिगेस्ट बॉडी पार्ट जो है वो लेग है। उसके बाद आपकी बैक आती है, फिर उसके बाद आपके कोर एरिया आता है एब्डोमिनल। लेकिन आज हम बात करेंगे लेग वर्कआउट की, इनर और आउटर फैट के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग लेग में वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आपने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करनी। डिफरेंट बेसिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आप किसी भी चेयर के साथ सपोर्ट करके या वॉल के साथ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली कर सकते हैं तो फिर ठीक है। पाँव को इस तरह पकड़ के ग्रिप करना है, देन होल्ड और स्ट्रेच जितना आप कर सकते हैं। वन बाय वन आपने करना है। फिर उसके बाद लेग वाइड करके राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, वन रेपिटेशन, ताकि इनर और आउटर जो है आपके लेग मसल स्ट्रेच हो जाए। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्रैम्प्स, और अगर क्रैम्प्स हो गए तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आपने दूसरी साइड राइट साइड पे लेग को स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं। मूवमेंट आपने करनी है राइट टू लेफ्ट, ये बेसिक है। स्ट्रेचिंग करने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज, पाँव इतने वाइड करने हैं जितने आपके शोल्डर विड्थ है। ईजी, क्लोज नहीं करना, नी पे प्रेशर आएगा। उसमें डिफरेंट पोजिशंस आप कर सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिगनर के लिए ठीक है। फर्स्ट डाउन मैं जाऊंगा, नॉर्मली झटका नहीं देना। वन टू थ्री फोर फाइव। क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ये दोनों के लिए स्क्वाट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे लंजेस। इसको हम वॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन वॉक में इतना नहीं, ठीक। फर्स्ट पाँव आपने वाइड करना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 90 डिग्री बने। अगर बिगनर है, बैलेंस नहीं हो रहा, तो नी पे हाथ रख सकते हैं, नहीं आप स्ट्रेट कर ले। अगर वो भी आप नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट बिगनर के लिए मैं बताता हूँ। वन मूवमेंट, टू, ये बिगनर के लिए, और जो इंटरमीडिएट है नेक्स्ट लेवल के लिए वो आपने स्ट्रेट रहना है। वन फेस अप, डाउन नहीं करना, हाथों की पोजीशन हिप एरिया के पास। टू थ्री, अब राइट साइड पे इसी तरह आपने बैलेंस करना है। बिगनर्स के लिए नी पे हाथ आप रख सकते हैं। डाउन, वन टू थ्री फोर, और अगर आप इससे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो हाथ आप स्ट्रेट रखें, चेस्ट अप, फेस बिल्कुल स्ट्रेट, डाउन नहीं करना, ग्रिप करके। नाउ वन टू थ्री फोर, ये एक्सरसाइज जो लेग हैमस्ट्रिंग बैक फैट के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मोस्टली होता है जब बैक फैट है तो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थाइज मसल्स आपस में रब करते हैं, स्क्रैचेस आते हैं और इरिटेशन भी है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। अब इस एक्सरसाइज में हम डंबल यूज़ करेंगे, डंबल या पानी की बॉटल। अगर होम वर्कआउट कर रहे हैं तो पानी की बॉटल भी चलेगी। पाँव आपने स्ट्रेट करने, डंबल्स आपने थाइस के पास रखने, ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल और लोअर बैक के लिए। फुल डाउन, वन स्ट्रेट, टू
3, 4. टेन रैप्स. जब आपने नीचे जाना है होल्ड करना है लाइक दिस डाउन और होल्ड. आपके काफ मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स फुली शेप अप हो जाएंगे अगर आप ये एक्सरसाइज प्रॉपरली एक पैटर्न के साथ आप करते हो. 3 सेट्स 10 रैप्स और इसमें रेस्ट होना चाहिए 30 to 40 सेकेंड का जो आपने करना है. ये एक्सरसाइज बेसिक है जिसको आप कहीं भी आप कर सकते हो और ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है. चले ये था आज का लेग वर्कआउट. इसको आपने फॉलो करना है प्रॉपर पैटर्न के साथ और डाइट भी फॉलो करनी है. तो मुझे आप इजाज़त दें. रहमान अब्बास जो आपका होस्ट है इस प्रोग्राम का. खुश रहें, फिट रहें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.